Hello students, good morning to all of you. Today we are going to read about the salt bleaching powder. आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. देखें, as here we see that its chemical name is calcium oxychloride and its molecular formula is CaOCl2. और देखेंगे इस प्रकार से भी लिखा जाता है CaOCl Cl, दोनों सही है. देखें, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस हैविंग व्हाइट कलर. यह जो है व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस आता रहता है. नेक्स्ट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इसको कैसे बनाया जाता है. देखें, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लैक लाइम देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड. जब सूखे स्लैक लाइम पर क्लोरीन गैस पास कराया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है. हियर इट इज इट्स केमिकल इक्वेशन CaOH12 + Cl2 = CaOCl2 + H2O. ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया. देखें यहां पर कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस. इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड वेन इट रिएक्ट विथ डायल्यूट H2SO4 और डायल्यूट HCl. जब ये डायल्यूट H2SO4 या डायल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो एक क्लोरीन गैस इवॉल्व करता है. द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू क्लोरीन प्रेजेंट इन इट. देखिए इसका ब्लीचिंग एक्शन इसी के कारण होता है, क्लोरीन चूंकि इसमें प्रेजेंट है. देखिए क्लोरीन इसमें से निकल रहा है. दोनों आपका दिया हुआ है यहां पर इक्वेशन. ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर जब डायल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, देखिए बना रहा है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन. यहां देखें ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है या ब्लीचिंग पाउडर जब डायल्यूट HCl से रिएक्ट कर रहा है तो CaCl2 + H2O + Cl2, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाया, वाटर बनाया और क्लोरीन गैस. दोनों में देखिए कि डायल्यूट H2SO4 या डायल्यूट HCl से सेम प्रकार का सेम टाइप का रिएक्शन हो रहा है. देखिए यहां पर यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हमारे डेली लाइफ में ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज है. देखें, नंबर वन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. देखिएगा यह पॉइजनस होता है, इसलिए क्या होता है यह डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है. और यह जो हमारे पास मान लीजिए जर्म वाला जो वाटर अगर है, कोई वाटर अगर है उसमें अगर जर्म है तो उसमें अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को डालेंगे तो जर्म फ्री हो जाएगा. और इस प्रकार से जब जर्म फ्री होगा तो दैट इज एबल टू ड्रिंक अस. तो यह जो है ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने में या प्योर वाटर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. फिर देखें, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट्स इन सो मेनी इंडस्ट्री. देखिएगा जैसे देखिएगा यहां पर इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन क्लोथ. कहता है कि इन सब माने इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन क्लोथ को ब्लीच करने के लिए, उसके रंग को उड़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है. फिर आगे देखेंगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री टू ब्लीच वुड पल्प. लकड़ी का जो लुगदी होता है उसी से पेपर बनता है, या तो बांस का माने पफ है तो उसमें क्या होगा उसका हरा कलर होगा, तो क्या होगा उसको यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके उसके रंग को वाइट किया जाता है, उसका रंग को उड़ा दिया जाता है. सो इट इज ऑल्सो यूज इन पेपर इंडस्ट्री. फिर देखें यहाँ पर कि इट इज यूज इन मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल. इसका यूज करके ऊन को जो है अनश्रिंकेबल बनाया जाता है, मतलब न सिकुड़ने वाला बनाया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन लॉन्ड्रीज टू ब्लीच स्टेन स्पॉट्स. देखेंगे जो लॉन्ड्रीज होते हैं हमारे कपड़े पर अगर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है ताकि उस पर जो दाग धब्बे हैं क्या हो जाए, वो गायब हो जाए, तो इसका यूज किया जाता है. लेकिन ध्यान देंगे अगर इसको यूज करते हैं तो हमारे कपड़े भी कमजोर हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा. देखेंगे इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसका उपयोग जो है अनेक केमिकल्स बनाए जाते हैं इसका, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करके.
So these are the usage of what bleaching powder. We have read about bleaching powder. In next class, we will read about any some other chapter. Thank you.